ट्रिक्स की पाठशाला बाय एन अकेडमी। नाउ लर्न जस्ट इन 30 सेकेंड्स। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि विद इन 30 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम 15 से 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, केवल 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब्स याद रखने हैं। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब बड़े आसानी से याद हो जाते हैं हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब हो गया 27, 4 क्यूब आ गया 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब होता है आपका 343, 8 क्यूब 512 एंड 9 क्यूब 729। और 10 का तो भैया सबको पता है, तो 1 से लेकर 9 तक के अगर आप लोग क्यूब याद रख लेते हैं तो किसी भी कितने भी बड़े नंबर का आप क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको 1 से लेकर 100,000 तक के क्यूब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 100,000 कम बोल दिया, ओके। हम आज से 1,000,000 तक के क्यूब आप बहुत आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कि अगर मैं एक नंबर है 1728, इसका भाई मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करते हो आप अगर आपको 1728 का क्यूब रूट फाइंड करना है, बताता हूँ मैं आपको। आपका जो प्रोसीजर है, तो आपका प्रोसीजर होता है कि हम इसको सबसे पहले एलसीएम वाली प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। भाई 2 से डिवाइड किया इसको, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। ये जनरल मेथड होती है आपकी, 2 4 3 2 2 2 1 6 एंड 2 1 0 8। अरे भैया बहुत लंबी मेथड है, फिर 3 के फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे इसको वैल्यू लेके आते हैं। हमें देखना है कि हम 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया, अब तक आप लोगों ने ये नंबर याद कर लिए होंगे, मैंने आपको बताया 1 से लेकर 10 तक के आप क्यूब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया हमें याद, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, हो गया खत्म। ठीक है, अब आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट आपका 1469 है, 1469 है, तो भैया सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, थोड़ा सा पेशेंट रखो, पेशेंस रखो भैया, बताएंगे हमने ना क्या सेम रहेगा। आपको केवल स्टेटमेंट याद रखना है, लास्ट डिजिट अगर 1469 है तो वो सेम रहेगा, अदरवाइज भैया अगर ये नहीं है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। ये कोड वर्ड भैया, कोड वर्ड आपको अगर पता चल जाएगा तो ट्रिक बहुत आसान हो जाएगी। तो ये तो अभी कोड वर्ड दिया हुआ है, इसको अप्लाई कैसे करना वो देखना आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट डिजिट 1469 है तो भैया सेम रहने दो, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 में से माइनस कर दो। सर क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो अब एक नंबर लेके चलते हैं अपन। ठीक है, मैंने आपसे बोला क्या लिखा है नंबर, 6,36,056, 6,36,056। इसका भैया क्यूब रूट चाहिए हमें, क्या चाहिए क्यूब रूट। तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया क्या करना पड़ता है, आपको नहीं करना है, आप क्या करेंगे ध्यान से देखो, लास्ट से 3 डिजिट लेंगे आप, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा लगा दिया, 3 डिजिट के बाद क्या किया हमने कॉमा लगा दिया। अब आप देखो कि 636 किसका लगभग क्यूब होता है, किसका नियरेस्ट क्यूब होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो 636 नियरेस्ट, हमेशा कम लेके चलना है, तो वो मैंने देखा कि 8 का क्यूब जो होता है भैया वो कितना होता है 512, 9 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 कितना होता है 729, तो हमारे पास जो 636 है वो लगभग किसका क्यूब होता है आपका 8 का क्यूब। तो आप सिंपल यहां पर क्या लिख दो 8, सिंपल क्या लिख दिया हमने यहां पर 8। अब कोडवर्ड याद रखते हैं, कोडवर्ड क्या था, कोडवर्ड था कि भैया 1469 है तो वो सेम रहेगा, तो लास्ट डिजिट जब मैंने देखा तो वो 1469 में से है तो वो सेम रहेगा, तो आंसर आ गया आपका 86। कितना आ गया आंसर 86, मतलब 86 का क्यूब होता है आपका 6,36,056। एक एग्जांपल दिया। अच्छा, मैंने बात की थी आपसे कि भैया 1728 ये किसका होता है, चलो देखते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगाया,
क्या लग रहा है आपको? नंबर वन, वन किसका होता है? वन का ही होता है ऑर्बिट। अब जब हमने लास्ट डिजिट देखा तो लास्ट डिजिट कितना है इसका? 8। 1469 में से नहीं है, 10 में से माइनस कर दो, 10 में से माइनस करो 8 कितना आएगा? 2। तो ये होता है भैया 12 का। किसका होता है? 12 का। विद इन 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो। आप 30 तो बहुत ज्यादा कह दिया अपन ने। देखो एक नया नंबर अपन लेके चलते हैं, मान लो 140608। किसका होता है ये क्यू? 140608। कुछ नहीं करना, लास्ट से 1 2 3 3 के बाद अपन ने क्या लगा? कॉमा। कितने डिजिट है यहाँ पर? 140। नियरेस्ट किसका होता है? थोड़ा सा सोचो, 5 का क्यूब कितना होता था? 125। तो भैया 5 का क्यूब होता है, और 5 का क्यूब अगर आपका लगभग 140 मिल गया तो लास्ट डिजिट पे जाएंगे हम। लास्ट डिजिट कितना है? लास्ट डिजिट है 8। 1469 में से नहीं है, क्या करोगे? 10 में से माइनस, 10 में से माइनस करोगे कितना आएगा? 2। तो ये आ गया आपका 52। बड़े आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हैं विद इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड ही लगेगा। चलो एक नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं। हम यहां लिखूं, लो 3 के बाद कॉमा लगाया 1 सेकेंड। किसका होता है? 9 का। 2 सेकेंड, लास्ट डिजिट 9 है, 1469 में से 3 सेकेंड। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको केवल 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अगली ट्रिक में हम सीखेंगे यहाँ पर कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप बड़े आसानी से कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।